हेलो एवरीबॉडी, आफ्टर इंडस्ट्रियल सिंथेसिस अब हम लोग बेंजीन की लैब सिंथेसिस पढ़ेंगे। जब फिनॉल को हीट किया जाता है तो वह फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और H+ आयन को रिलीज कर देता है। ये हाइड्रोजन आयन जिंक से इलेक्ट्रॉन लेकर के, जिंक के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है और जिंक को जिंक आयन में कन्वर्ट कर देता है। जिंक आयन फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उससे मिलके जिंक ऑक्साइड ZnO बना देता है और रिमेनिंग बेंजीन हमें प्राप्त हो जाता है। इज फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड और थैलिक एसिड। थैलिक एसिड एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लूज करके बेंजोइक एसिड बनाता है और बेंजोइक एसिड फर्दर डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को लूज करके बेंजीन बना देता है। बहुत शॉर्ट में अगर रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखा जाए तो NaOH की वजह से जो सॉल्यूशन है उसमें OH आयंस प्रेजेंट हैं। जो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में H+ आयन को हिट करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि बेंजीन के ऊपर केवल COO- आयन बचा रह जाता है। नेगेटिव चार्ज कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज होता है और बेंजीन पर फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर देता है, जो कि वाटर जो कि शुरुआत में बना था उसके H+ के साथ मिलकर बेंजीन बना देता है और बचा हुआ OH आयन फ्रेशली कार्बोक्सिलिक एसिड को फंक्शनल ग्रुप को अटैक करके रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता रहता है। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड। नाउ बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड इज C6H5N2Cl, इन विच जो नाइट्रोजन बेंजीन की रिंग की तरफ है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड के पास एक नेगेटिव चार्ज है। नाउ बेंजीन डायअजोनियम क्लोराइड का हाइपोफॉस्फोरस एसिड विच इज H3PO2 की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर रिडक्शन या अपचयन होता है। इसकी वजह से हमें बेंजीन प्राप्त होता है अलॉन्ग विद HCl और नाइट्रोजन। नाउ जो रिएजेंट है यानी कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 वो ऑक्सीडाइज होकर के फॉस्फोरस एसिड बना देता है H3PO3। इस प्रकार से बेंजीन प्राप्त होता है। सेम रिएक्टेंट के साथ SnCl2 यानी स्टैनस क्लोराइड और NaOH की प्रेजेंस में भी बेंजीन प्राप्त हो सकता है N2 और HCl के साथ। नेक्स्ट मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल का लिसिस होना, लिसिस मतलब टूटना। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो कि स्ट्रक्चर जो सामने बना हुआ है उससे एक पाई एक्सेसिव मॉलिक्यूल के रूप में नजर आ रहा है, तो स्टीम या वाष्प की उपस्थिति में H+ आयन बेंजीन को पूरा करके बेंजीन दे देता है और OH पार्ट, स्टीम का OH पार्ट SO3H के साथ मिलकर के H2SO4 बना देता है। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड वाष्प या स्टीम पर 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करके बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड को HCl के साथ अंडर प्रेशर बॉयल कर दिया जाए तो भी बेंजीन प्राप्त हो जाता है, जो कि रिएक्शन एरो के नीचे की तरफ कंडीशंस लिखी हुई हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।